हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे फैशन। इस वीडियो में हम आपको कोट की कटिंग दिखाएंगे। ये इसका मेजरमेंट है। लेंथ हमारी 28 इंच है। योक योक माने तीरा हमारा 17 इंच है। चेस्ट हमारा 34 और वेस्ट हमारी 30 और हिप हमारी 34। स्लीव्स हमारी 24 इंच है और नीचे वाली स्लीव्स ओपनिंग है जो हमारी वो 9 इंच है। ये हमारी स्लीव्स ओपनिंग होती है और ये हमारा बैक का नाप है। तो बैक में हमारा 15, 13 और 14 ये हमारा बैक का नाप है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये दोनों तो कपड़ा हमने बिछा लिया डबल करके और इसे उल्टा हमने बिछाया है उल्टी तरफ से। तो सबसे पहले हम इसकी कन्नी जो है हमारी, वहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट हमने निशान लगा लिया है। ये सबसे पहले हम बैक काटते हैं। तो हमने ये बैक बिछाई है, ऊपर से भी आप थोड़ा सा मार्जिन लेके एक स्ट्रेट निशान लगाएं। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर से हम निशान लगाएंगे। तो आपको ये बता दूं, मैं इस बार इसमें इंच की जगह मैं सेंटीमीटर और इंच दोनों में नाप बताऊंगा किस तरीके से हम बनाएं। तो इंच में भी होगा, ये सेंटीमीटर में भी होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हम निशान लगाएंगे, जो हमारा गला नीचे को डाउन होता है बैक का, तो वो 2.5 सेंटीमीटर से और इंच में 1 इंच होता है। 2.5 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच, ये हमारा गला डाउन हुआ नीचे की तरफ को। अब इधर से हम निशान लगाएंगे अपने सीने का। तो हम नीचे वाले निशान से लगाएंगे, जो हमने डाउन कर दिया वो ऊपर को हमारा इतना 2.5 सेंटीमीटर उठा रह जाता है। उसके बाद में ये हम निशान लगाएंगे 10 इंच पे और सेंटीमीटर में ये हुआ 26 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर पे ये निशान लगा लेंगे, यानी 10 इंच से ऊपर हम एक निशान लगाएंगे। तो वो देखिए 2.25 इंच और यानी 6 सेंटीमीटर ऊपर लगाएंगे। ये हमारे एक ऊपर निशान लगता है, पहले सीने का लगता है, उससे एक थोड़ा ऊपर लगता है। तो ये वो हमने निशान लगा लिया है, 6 सेंटीमीटर ऊपर लगाया वो निशान। अब इसके बाद में हम देखिए, जो हमारी वेस्ट है उसका लगाएंगे 17 इंच पर, यानी 43 सेंटीमीटर। तो आपको लिख के भी हमने दे दिया है, उसमें आप देख लें अगर आपके कोई निशान समझ में नहीं आता है, क्योंकि इंची टेप में इतनी ऊपर से दिखेगा नहीं। और ये हमारी फुल लेंथ है 28 इंच, यानी 71 सेंटीमीटर। और इससे हम 2 इंच नीचे मार्जिन रखते हैं, 2 इंच नीचे, 2 इंच नीचे हम मार्जिन रख लेंगे, यानी हमारा हुआ ये 6 सेंटीमीटर। ये 2 इंच नीचे हमने रख लिया मार्जिन। अब देखिए, इन सब निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो इन सब निशानों को आप इस वाले स्केल से सीधा कर लें, क्योंकि ये बैक है, ज़्यादा लंबे स्केल है इसमें अच्छा नहीं रहेगा। और ये स्केल से आपको एक फ़ायदा है कि आपके बिल्कुल स्ट्रेट निशान आएंगे, क्योंकि जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी नीचे, उससे हम मिला के ये निशान लगाते हैं। ये जैसे हम मिला के लगा रहे हैं, तो इससे आपके बिल्कुल स्ट्रेट निशान आएंगे। तो ये हमारे निशान आ गए हैं, स्ट्रेट हमने सब कर लिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम अब देखिए कैसे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम नीचे को इधर से हम ये निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे 1 इंच पीछे को, 1 इंच पीछे को लेंगे ये हम, यानी ये हमारा हुआ 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच हमने पीछे को ले लिया और यहाँ से हम देखिए, यहाँ से भी हम जो है 1 इंच कर लेंगे इसे भी, क्योंकि ये हमारा इधर से इधर तक हमारे स्ट्रेट रहता है निशान। तो ये हम एक बराबर निशान लेंगे। और ये हमारा ये है चेस्ट का निशान, तो इधर से हम 1 सेंटीमीटर यानी 1/2 इंच रखेंगे, 1/2 इंच रख देंगे इधर से। और यहाँ से हम 0.6 सेंटीमीटर यानी 1/2 से 1/2 इंच यहाँ से रखेंगे। तो ये आपकी शेप जब आप देंगे, तो यहाँ से इस तरीके से निशान जब लगाएंगे आप, तो अच्छा निशान आ जाएगा। अगर आप सेंटीमीटर में काटें तो पूरा ही सेंटीमीटर में काटें, क्योंकि सेंटीमीटर का जो है थोड़ा सा हिसाब अलग होता है। ये अगर इंच में काटते हैं तो आप पूरा कोट इंच में ही काटें। इसमें मैंने दोनों के नाम दे दिए आपको, सेंटीमीटर में रखें तो इतना रखें और इंच में रखें तो इतना रखें। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो ये देखिए आपकी घुमावदार इस तरीके से ये शेप आ गई। या हमारी पीस पीछे से जो हमारी पीठ होती है वो इसी शेप में घुमावी होती है।
तो ये आपका जब कोट जब हम पहनते हैं तो बैक से इसी हमारी ये हमारी फिटिंग आती है। तो इसके बाद में देखिए हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान देख लिए आप कितना लगा रहे हैं। हम यहाँ से हम लेंगे 3.75 इंच यानी हमारा बनेगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा 3.75 इंच निशान हमने लगा दिया है, 3.75 इंच का निशान लगा दिया हमने। अब इसके बाद में हमने देखिए अपने तीरे का लगाएंगे। तो तीरे का हम आपको दिखाते हैं, तीरा हमारा था यानी योक था हमारा 17 इंच। तो 17 का हम आधा कर देंगे हाफ, यानी 8 × 16 8.5 हुआ 17, 17 का हाफ हुआ 8.5। तो ये 8.5 पे हम निशान लगा देंगे। तो ये हम 8.5 पे हम ये निशान लगाएंगे 8.5 पे, यानी ये हमारा हुआ 21.21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर पर हम ये निशान लगा देंगे। अब देखिए ये निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम कंधी गिराते हैं तो वो कंधी हम इस तरीके से गिराएंगे, ये नीचे वाले जो निशान है उधर से हम ये 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ को लेंगे, यानी ये हमारा हुआ 2 सेंटीमीटर 1/4 इंच। तो ये हमने 1/4 इंच नीचे की तरफ को गिरा दिए। ऊपर से हमारी उठाऊ भी है जो वो है 2.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच, 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच सॉरी। अब ये देखिए ये हमने जो कट का निशान लगाया ये हमारे चेस्ट की लाइन है। तो हमारा चेस्ट जो था ये है 15 बैक का है, ये बैक का हमारा 15 है। तो हम 15 का आधे पे निशान लगाएंगे, 7 × 2 = 14 7.5 होगा 15 का आधा यानी 19 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर पर हम ये निशान लगा देंगे। इसके बाद में देखिए वेस्ट का निशान लगाएंगे यानी हमारी कमर का निशान। तो कमर का निशान जो है हमारा 13 है, तो 13 का आधा लगाएंगे हम, 6.5 होगा 13 का आधा, 6 × 12 और आधा 6.5। तो 6.5 इंच निशान लगाएंगे, हमारा निशान हुआ 6.5 इंच पे। तो हम वो निशान लगा, और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसे। तो 6.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। सेंटीमीटर में अगर आपने नापाया तो 16.25 सेंटीमीटर ये बैठेगा। इसके बाद में देखिए नीचे का हम निशान लगाएंगे, ये हमारा 7 इंच का होगा, 14 का आधा 7 18 सेंटीमीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर में लगाना चाहते हैं तो आप पूरा ही नाप सेंटीमीटर में शुरू से नापते हुए चलें। तो यहाँ से अब देखिए हम किस तरीके से निशान लगाएंगे। तो हम सबसे पहले अपना शेफंटी लेंगे, ये वाली यानी पैमाना हमारा। इस पैमाने से आपकी बहुत मदद मिलती है, छोटी छोटी निशान सब हम इसी से ही लगाते हैं, बड़े पैमाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो हम ये सीधा करेंगे निशान, ये हमारा ये इससे 1 सेंटीमीटर पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम पीछे एक निशान लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये हम 1 सेंटीमीटर पीछे हमने ये निशान लगाया। ये बहुत मेन निशान है, ये ज़रूर लगाएं, अंदाजे से कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये निशान बिल्कुल स्ट्रेट हमने लगा लिया है। तो अब देखिए जो हमारा 1 सेंटीमीटर वो आगे को है, तो वही निशान हम नीचे भी आगे को लगा देंगे। बट इसका जो है हमारी मुट्ठी की जो शेप आती है वो हम इस निशान के थ्रू देते हैं, और ये वाला निशान हमारे जो है हम इस तरीके से तिरछा लगा देंगे। तो ये देखिए शेप हम हाथ से नहीं देंगे, हाथ से अगर आपकी परफेक्ट आती है तो हम हाथ से भी, पर हम आपके लिए ये बता रहे हैं कि हम जैसे फ्रेंच कर्व होता है ये, इस स्केल से आप दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके से आप इसकी शेप दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इसका घुमाव एक सा होता है, हाथ से आपके थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है घुमाव में, पर इसका एकदम परफेक्ट बैठता है। ये देखिए गुलाई इसकी परफेक्ट है, हम कट लगा देंगे इधर। अब देखिए ये जो हमारे निशान है इधर से सीध वाले हमने स्केल से नहीं करेंगे, हम लेंगे ये शेप फंटी। तो हम अपना इस तरीके से ये शेप फंटी रखेंगे और ये शोल्डर का हम निशान लगा देंगे। ये शोल्डर मार्क हो गया हमारा, और जो हमारी ये आपको दिखा रहे हैं जो हमारा, तो ऊपर से नीचे का हमारा ये शोल्डर मार्क कहलाता है, और ऊपर का जो ये हमारा हिस्सा है वो हमारा हाई शोल्डर पॉइंट कहलाता है। ये देखिए ये हमारा हाई शोल्डर पॉइंट कहलाता है, ये हमारा परफेक्ट बैठ गया है। इसके बाद में देखिए ये निशान लगाएंगे, ये भी हम शेप फंटी से लगाएंगे इस तरीके से। जब आपका मार्क सबसे लगे होंगे तो आपकी शेप फंटी भी बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल फिटी बैठेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप घुमा के
ये शेप फंटी से निशान लगा लें। तो ये भी आपकी शेप आ गई यहाँ पे। और यहाँ हम कांच नहीं खोलेंगे, जो हम कांच खोलते हैं वो नहीं खोलेंगे। इस कोट में हम बिना कांच का बना रहे हैं, ये बंद रहेगा बिल्कुल, तो इसमें हम कांच नहीं खोलेंगे। तो इसकी कटिंग हम ऐसी करेंगे। अब देखिए ऊपर का जो हमारा गला है उसका निशान लगाने को रह गया था, ये भी लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए आप देखते रहें वीडियो, आप अगर शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा कोट की कटिंग एक ही बार में समझ में आ जाएगी। यहाँ से हमने बिल्कुल मार्क पे काटा है, पर यहाँ से हम जो है मार्जिन लेके काटेंगे, यहाँ से हमें मार्जिन रखना है। यहाँ से हमने एक पैर का मार्जिन रख लिया है, ये मार्जिन जरूरी रखना क्योंकि हमारा कोट तो अपने फिटिंग में हमने नाप से काटा है, मार्जिन तो हमने इसमें रखा ही नहीं है, तो इसलिए हम इसमें मार्जिन रख लेते हैं। ये देखिए हमारी बैग कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम आगे दिखाएंगे फ्रंट किस तरीके से काटें। तो ये देखिए ये कपड़ा हमने बिछा लिया है, पूरा कपड़ा एक से बिछाया है हमने। अच्छा देखिए ये थोड़ी अलग तरीके से मैं कटिंग करके दिखाएंगे, एक ही तरफ से हम बैठे बैठे पूरी कटिंग कर देंगे। ये पैटर्न जो हम बनाते हैं वो हमारे बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं। मेरे भाई भी जो है पैटर्न मास्टर ही हैं, तो उन्हीं की तरह मैं काट रहा हूँ ये कोट पूरा। तो ये देखिए किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी फिटिंग वुटिंग अच्छी आती है, तो वो सब 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 जो है नाप सेंटीमीटर में ही चलता है, अपने जो टेलर मेड होता है वो चलता है सब इंच में। तो इसीलिए मैंने दोनों में आपको समझा रहा हूँ, इंच में भी बना सकते हो और सेंटीमीटर में भी। तो हम ये सब जितने निशान हैं सब सीधे कर लेंगे एक तरफ से, सब लम्बे में सीधे करना है, एक जगह ज़्यादा होना चाहिए, एक से बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल अच्छे से बिछा लें क्योंकि हमें ये कोट आगे तक पहुँचता है काफ़ी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल स्ट्रेट निशान सीधे सीधे लगा लें, सब मार्क हमारे सीधे हो गए यानी स्ट्रेट हो गए। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा शोल्डर दिख रहा है इसका हम एक मार्क लगाएंगे, वो देखिए किस तरीके से लगाएंगे। तो इधर से हम थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे, अगर आपका कपड़ा कम है तो आप मार्जिन नहीं रखें वो ही बेहतर है, पर इसमें हमारा कपड़ा काफ़ी है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें मार्जिन रख सकते हैं। तो हमने ये देखिए इधर से मार्जिन रख लिया थोड़ा सा। इसके बाद में देखिए वैसे तो हमें आधा इंच का, मतलब आधा इंच का लगभग मार्जिन रखना था 2 सेंटीमीटर का, ये हमने 1 इंच का मार्जिन रख लिया है, कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए पहले हम एक आगे के निशान लगा लेते हैं। तो पहले हम इसमें बताएंगे, वैसे हमें 5 इंच लूजिंग रखना है, पर इसमें हम अभी 6 इंच का एक निशान लगा देते हैं। 6 इंच का एक लगाया यानी 15 सेंटीमीटर का निशान लगाया। इसके बाद में हम अपना जो हमारा सीना है उसका चौथा हिस्सा रखेंगे, 8.5 इंच यानी 25 सेंटीमीटर, ये मार्क लगा के ये मार्क को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे, स्ट्रेट, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट खींच देंगे। इसके बाद देखिए ये मार्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमने स्ट्रेट खींच दिया है, अपनी बैक को इस तरीके से उठाएंगे। और जो हमने ये उस टाइम लगाया था जो 1 सेंटीमीटर पीछे निशान, ये समझिए ये वही निशान आ रहा है बिल्कुल, जो हमने अभी सीधा निशान बिल्कुल लगाया है ये वही निशान आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये हमने लगाया था उस टाइम 1 सेंटीमीटर पीछे, ये वही निशान है। तो ये निशान मेन है क्योंकि इस निशान से आप शेप अच्छी दे सकते हैं। तो ये देखिए आप इस निशान से लूजिंग जो देंगे हम, तो वो देंगे सब में 5 सेंटीमीटर की। तो पहले तो आप इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट एक निशान लगाएं चेस्ट के निशान तक, चेस्ट के निशान तक हमने लगाया ये मार्क है। इधर से हमारी शेप पंटी थोड़ी सी हल्की सी मुड़ेगी क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर पीछे को निकाल दिया है मार्क से, हमारा जो स्ट्रेट मार्क है उससे 5 सेंटीमीटर पीछे को निकाल दिया है, इतना सा पीछे को निकाला। ये शेप देने में अच्छा होता है, अच्छी शेप आती है, इसलिए हम निकाल देते हैं। तो यहाँ से देखिए हम अब जो मार्जिन देंगे यानी लूजिंग वो देंगे 5 इंच यानी 13 सेंटीमीटर की, 13 सेंटीमीटर की हम इधर से लूजिंग दे देंगे। ये लूजिंग हम कौन से निशान से नाप रहे हैं, जो हमने स्ट्रेट लगाया उससे, बिल्कुल स्ट्रेट लगाया जो हमने उस निशान से हम ये लूजिंग देंगे क्योंकि हमारी लूजिंग एक बराबर आ जाएगी। और उसके बाद में हम शेप देंगे, तो शेप देंगे वो उसके बाद में देंगे, इसलिए ये हमने इस तरीके से मार्क लगाते हैं। तो 2 स्ट्रेट मार्क लगाए हमने, ये वाला लगाया एक
एक हमारे पीछे वो वाला लगाया, उसके बाद में पीछे वाले में तो हमने शेप दे दी। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से हमने आधा इंच पीछे की तरफ लिया, आधा इंच पीछे की तरफ यहाँ से इस तरीके से हमने ये निशान लगाया, और यहाँ से एक नीचे से हमने ये निशान 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ को लगा दिया। तो ये हमारी शेप अच्छी आ गई, ये हमारी शेप आती है, इसलिए हमने ये निशान लगाते हैं। तो ये देखिए, हम पहले ये कट तैयार कर ले रहे हैं, यहाँ से हमारी गोलाई आएगी। तो ये देखिए, ये कंप्लीट होने वाला है, आपको बताते हैं किस तरीके से ये बना है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, हम इधर से एक पैर का मार्जिन ले लेंगे, यहाँ से हम मार्जिन से, क्योंकि हम इसकी कटिंग मार्जिन से ही कर रहे हैं। अगर टेलर मेड होते हैं वो मार्जिन नहीं रखते हैं, वो निशानों पर ही कटिंग करते हैं अपनी। तो ये देखिए सब में हम मार्जिन रखेंगे यहाँ भी। अब इधर से हम देखिए क्या करेंगे, देखना जो हमारे ये निशान थे, इधर से हम बैक की तरफ को लगाएंगे सीने का चौथा हिस्सा। ये सीने का चौथा हिस्सा हमारा हो गया 8.5 इंच का, बोल हमने लगा लिए 8.5 इंच। और यहाँ से हमारा चेस्ट और बेस्ट का हमने चौथा हिस्सा लगा लिया, और यहाँ से हम हिप का लगा लेंगे चौथा हिस्सा, ये भी हमारा 8.5 इंच है। तो ये तो आपका नॉर्मल ही है, जो आपको पॉइंट बताना है वो सब मैं लिख के दे रहा हूँ, हर पॉइंट पे लिख के दे रहा हूँ कितना सेंटीमीटर या कितना इंच रहना है। तो ये तीनों निशान हमने लगा लिए, इनको हम शेप फंटी से शेप दे देंगे। तो हमने ये इनको शेप दे दिया है इस तरीके से। इसके बाद में देखना आप क्या करते हैं, हम ये आ गया इधर तक। अब यहाँ से हम जो लेंगे ऊपर से वो लेंगे 1.5 इंच यानी 3.5 सेंटीमीटर। ये हमने बाहर को निशान लगाया है, यहाँ से इस साइड को हमने ये निशान लगाया है। तो इस निशान से हम ये निशान बिल्कुल पहले सीधा खींचेंगे, तो हम छोटे स्केल से ही खींचेंगे। ये आप लाइन से लाइन मिलाएं तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट निशान ऊपर को जाएगा। तो ये स्ट्रेट निशान ऊपर को चले गया है हमारा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हमारी गोलाई आएगी और ऊपर से हम पहले तो बैक उठाएंगे, बैक के बाद ही हम लगाएंगे। तो पहले हम अपना गला बनाएंगे, तो गला किस तरीके से बनाएंगे तो हम इस निशान से यहाँ को अपना जितना हमारा सीने का चौथा हिस्सा था वो लगाएंगे निशान। एक तो ये तरीका होता है सीने का चौथा हिस्सा लगा लें, या आप इधर से 3.5 सेंटीमीटर बढ़ा सकती हैं यानी 1.5 इंच 3.5 सेंटीमीटर। तो ये उस हिसाब से भी 8.5 इंच आएगा, और आप वैसे लगाना चाहें सीने के चौथा हिस्सा तब भी आपका 8.5 इंच यहाँ तक आएगा। फिर इसका बीच का निशान एक लगाएं, 8.5 इंच हमने लगाया, उसके बीच में एक निशान लगाया यानी इसका आधा। तो यहाँ तक हमारा गले रहेगा, जो गले का हाला बनेगा वो देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये निशान को स्ट्रेट करा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ स्ट्रेट करा, तो ऊपर से हम जो गिराएंगे वो गिराएंगे इस लेंथ से हम 2 इंच गिराएंगे। ये देखिए यहाँ से हम 2 इंच नीचे की तरफ को डाउन करेंगे यानी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हम यहाँ से डाउन कर देंगे, और यहाँ से हम जो डाउन करेंगे वो करेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच यानी 8.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने निशान लगा दिया यानी मार्क लगा दिया है। तो इन दोनों मार्क को हम सीधा कर देंगे, स्केल से हम इन्हें सीधा कर देंगे। अब यहाँ से आप हल्का सा तिरछा निशान लगा लें, बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल हल्का सा हमने तिरछा मार्क लगाया है। अब अपनी बैक उठाएंगे, ये बैक है हमारी, यहाँ से हम देखिए कितना गिराएंगे। ये देखिए ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर ही गिरेगा यानी 1.5 इंच, 1.5 इंच डाउन होगा जो हमारा स्ट्रेट निशान है ऊपर वाला वहाँ से, और यहाँ से हम 0.5 सेंटीमीटर उठा देंगे, 0.5 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर ऊपर को उठाया है हमने। अब ये शेप पट्टी से आप इसका मार्क लगाएं, ये शेप पट्टी से हमने मार्क लगाया है,
अब ये देखिए ये हमारे मार्क तैयार हो गए हैं। इसके बाद में हम देखिए क्या करेंगे, अब हम गोलाई दे सकते हैं अपनी जो हमारा स्लीव्स होती है, जो हमारी जॉइंट होती है जहाँ, उसकी गोलाई देंगे यानी हमारे आर्म होल। तो वो आर्म होल देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें भी आप अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो मैं सलाह यही दूंगा कि आप फ्रेंच कर्व से ये निशान लगाएं, आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। वैसे तो आप जैसे मैं लगा रहा हूँ ये हाथ से इस तरीके से लगा सकते हैं, पर आप फ्रेंच कर्व लेंगे तो आपकी ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए मैंने हाथ से लगाया, बिल्कुल सेम वैसा ही गोलाई फ्रेंच कर्व की आएगी। तो हम ये निशान लगा देंगे और इस तरीके से यहाँ से लगा देंगे। आपको बीच में जो खाली जगह दिख रही है ये हमारी कटिंग में निकल जाएगी। तो हमने आपको अभी लगता होगा शायद कि बड़ा है गोला हमारा जो मुड्ढे का, पर ऐसा नहीं है। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आएगा। ये देखिए ये हमारी बैक आ गई, तो ये हमारा गोला बिल्कुल एकदम गोल आया है, जो हमारा आर्म होल है वो बिल्कुल गोल आया है। और ये हमारा मार्जिन रहेगा कटिंग के टाइम, ये हमारा मार्जिन रहेगा। तो हम बैक हटाएंगे, पहले हम बैक हटा देंगे। देखिए अब ये देखिए हम लाल चौक से लगा के दिखाते हैं आपको, जो हमारी गुलाबी कलर की चौक है उससे मैं दिखाता हूँ आपको मार्क लगा के। चौक अगर आपकी मोटी चलती हो तो प्लीज़ उसे कैंची से थोड़ा सा छील ले करें, उससे आपकी चौक अच्छी चलेगी। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आएगा, जो हमारी आर्म होल है ये इतना छोटा है, ये हमारा बिल्कुल फिट बैठेगा। ये आपको लग रहा था बड़ा है पर बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल फिट है। तो ये हमारी एक साइड की हमारी ये कंप्लीट होगी। तो हम पहले इसकी कटिंग करेंगे, तो पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं। मैं दूसरी कैंची ले लेता हूँ, मोटा कपड़ा थोड़ा है मेरा, तो बड़ी कैंची से आराम से कट जाएगा ये। तो इसकी हमने ये मार्जिन रख के थोड़ा कटिंग कर दी है, ये देखिए कंप्लीट हो गई हमारी कटिंग। यहाँ से भी कटिंग कर देंगे मार्जिन रख के हम, मार्जिन हमारा सब तरफ रह रहा है सिर्फ ऊपर नीचे को छोड़ के। बैक के अंदर इसे हम रख देंगे, हमने बैक के अंदर अच्छे से रख दी। अब देखिए ये हमारा फ्रंट बचा सिर्फ, तो फ्रंट आप कैसे बनाएंगे, सबसे मेन हमारा फ्रंट ही होता है। तो सबसे पहले तो इसकी आर्म होल की कटिंग करें, ये हम फालतू कपड़ा है जो हमारा वो बिल्कुल निकाल देंगे। तो अब देखिए इसकी इधर से भी हम कटिंग कर लेंगे, ये चाहें तो आप नहीं भी करें क्योंकि अभी इधर हमारे मार्क भी लगेंगे, और हम कर देंगे इसकी कटिंग क्योंकि हमें इसमें कपड़ा ज़्यादा उधर को रखना नहीं है ना, हमारा उधर को कोई मार्क जाना है। तो सबसे पहले देखिए इधर से हम 1.5 इंच यानी 3.5 सेंटीमीटर निकालेंगे, जो हमने ऊपर निकाला था बिल्कुल वही। तो ये हमारी जो हमारी फ्लैप ऊपर की होती है जो पलटती है वो है ऊपर, इसको हम 1 सेंटीमीटर उठाएंगे यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर को उठा के ही इधरी तक हमारा निशान रुकेगा। जो हमने 1 सेंटीमीटर उठाया वहाँ तक ये निशान लगेगा। तो ये निशान हमने लगा दिया है शेप पंटी से। अब देखिए नीचे से मैं बताता हूँ आप किस तरीके से गोलाई दें। ये दो तरीके की गोलाई होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ से आप 0.6 सेंटीमीटर आगे की तरफ पर मार्क लगाएं एक, और यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर पीछे की तरफ को एक मार्क लगाएं, और यहाँ से नीचे की तरफ को एक मार्क लगाएं 1 सेंटीमीटर का। ये तीनों आप ध्यान में रखें, यहाँ से 0.6 सेंटीमीटर लगाया हमने। तो आप पहले तो एक तो हमारा ये तरीका है, इस तरीके से आप शेप दें। कुछ लोग ज़्यादा पीछे के एकदम नीचे को गोलाई में ढाल मांगते हैं, तो हम उनके लिए तो इतना ढाल सकते हैं। और ये नीचे से इस तरीके से, नीचे का तो एक साइड रहता है सब में, तो इस तरीके से और ये गोलाई दे दें, इससे दे दें, या आप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं, फ्रेंच कर्व से ये गोलाई दे सकते हैं, ऐसी गोलाई आएगी सेम फ्रेंच कर्व से भी। तो एक तो हमारी ये गोलाई हो गई। अब अगर आप चाहते हैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेट रखना हल्का सा, तो वो भी हम बताएंगे किस तरीके से आप उसका मार्क लगाएं। अगर इसकी आपको लगता है जैसे कि ज़्यादा गोलाई हो गई है, कुछ लोग ज़्यादा गोलाई मांगते हैं, तो वो वाले भी हम बताएंगे अभी आपको। ये
पहले हमने ये निशान लगा लिया है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसे इस तरीके से गोलाई देंगे और ये हमारा इस लाइन में जो हमने ये कट लगा रहे हैं इस लाइन में हमारे बटन बनती हैं, वो भी बताएंगे किस तरीके से बनाएं। तो हम पहले आपको बताते हैं ये गोलाई अच्छे से किस तरीके से दें, इससे भी अगर आप पीछे को ज़्यादा नहीं ले जाना चाहते हैं तो आगे को किस तरीके से दें। तो आपको पैमाना वो हमने जो 2 सेंटीमीटर पीछे को रखा था वो नहीं लगाना है, अगर आप ज़्यादा गोलाई नहीं देना चाहते हैं तो, देना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो आप ये वाला फ्रेंच कप से लगाएं निशान, देखिए किस तरीके से इस तरीके से ये लगा देंगे। तो ये हमारी एक कम गोलाई वाली, गोलाई तो इसकी उतनी है पर इसका जो शेप पीछे को जाता है वो थोड़ा कम है। तो आप देखिए बटन किस तरीके से लगाएं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे जो हमारा वेस्ट का निशान है यानी कमर का, उससे जो ऊपर की तरफ को लेंगे हम, ऊपर की तरफ को हम ये निशान लगा देंगे। ये एक निशान लगाया है हमने ऊपर की तरफ को, ये हमने ऊपर की तरफ को ये लगाया है 2 इंच का, वो 2 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ को लगाएंगे 11 सेंटीमीटर यानी 4.5 इंच। पहले हमने निशान जो अपनी वेस्ट है उधर से लगाया ऊपर की तरफ को, और बाद में हमने नीचे की तरफ को 11 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ को 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया है। तो यहाँ से देखिए बैक का हम जो डॉट डालते हैं वो भी 11 सेंटीमीटर पीछे को निशान लगाते हैं, तो हमारा सीधा निशान है उससे यानी 4.5 इंच, 4.5 इंच पीछे हमने ये निशान लगाया है। तो ये निशान लगा लिया हमने। तो इस मार्क से अब देखिए क्या करेंगे हम, एक तो पहले तो हमारी डॉट्स का जो निशान होता है वो बिल्कुल सीधा खींच देंगे चेस्ट के निशान तक, ऊपर वाले पे नहीं आना है, सिर्फ चेस्ट तक ही ये रहना है। तो ये हमारा नीचे से अब नापेंगे हमारी पॉकेट आपको कितनी ऊंची रखना है, तो नीचे से हम 8 इंच रख सकते हैं, 8 इंच हमारी रह सकती है। तो यहाँ से हम नापेंगे ये आधा सेंटीमीटर हमने लाइन से नीचे को रखा इंची टेप, तो 8 इंच ऊपर हम ये निशान लगाएंगे यानी 20.5 सेंटीमीटर ऊपर। ये बिल्कुल हमारा इस जो हमारा बटन है उसके सामने आ गया है निशान। तो ये हमारी फ्लैप बनेगी, फ्लैप के सामने एक बटन रहता है आपका, एक थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, कभी कभी लोग एक कोड में एक ही बटन लगवाते हैं तो ऊपर वाला हम बटन लगा देते हैं। और ये देखिए 2 सेंटीमीटर हम इधर को निशान एक लगाएंगे डॉट्स से, जो हमारी डॉट्स है उससे 2 सेंटीमीटर आगे की तरफ ये हमारी पॉकेट बनेगी, जो पॉकेट में ही डॉट्स आती है तो ये हम बताएंगे। और एक हमारी इस साइड को भी डॉट पड़ती है उसका भी मार्क लगा के बताएंगे किस तरीके से लगाएं। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम इस डॉट को कंप्लीट करते हैं। तो डॉट्स का जो हम मार्जिन रखते हैं दोनों तरफ वो रखते हैं, दोनों तरफ का हमारा कुल टोटल होता है 1 इंच यानी वो 1 सेंटीमीटर चौड़ी हमारी ये डॉट्स होती है। तो आधा आधा सेंटीमीटर हमने दोनों तरफ इसका मार्जिन रख दिया है। अब देखिए ऊपर वाली पॉकेट कहाँ से लगाएं, किधर को लगाएं, तो ये बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हम ऊपर ये निशान लगाते हैं फ्लैप जो हम मोड़ते हैं, तो वो देख लेंगे वो हमारी कहाँ को आ रही है, मोड़ने के बाद पॉकेट कहीं उसके अंदर तो नहीं घुस जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो हम इधर से 4 सेंटीमीटर पीछे यानी 1.5 इंच पीछे की तरफ को हम लगाएंगे निशान। तो यहाँ से हमारी 4 इंच की पॉकेट बनती है यानी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर चौड़ी हम पॉकेट बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर नीचे से ये निशान लगाएंगे, डाउन करते हैं इस तरीके से, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी चौड़ी रख सकते हैं, तो इसका कोई मार्क नहीं है, निशान हम नहीं लगा सकते इसमें कितनी आपको चौड़ी रखना है, कुछ ज़्यादा चौड़ी भी रखते हैं कुछ कम भी। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पॉकेट की शेप आ गई है। अब ये हमारी डॉट है, तो डॉट्स के नीचे हम अपनी पॉकेट बनाएंगे, वो किस तरीके से बनाएंगे, तो ये हमारी फ्लैप पॉकेट होती है यानी इसमें एक फ्लैप लगी होती है।
तो वो हम बना के दिखाएंगे किस तरीके से बनाएं। तो ऊपर से नीचे की तरफ को हम रखेंगे पौने दो इंच, ये हम रखेंगे नीचे की तरफ को, यानी 4.5 सेंटीमीटर। ये निशान लगा के सीधा करेंगे इन दोनों निशानों को। अब देखिए आगे से हमारी जो शेप है कोट की वो गोल है, तो हमारी शेप गोल है अगर आगे से, जब हमारी कोट की शेप गोल है तो हम बैग भी गोली रखेंगे, पॉकेट यानी पॉकेट की जो हमारी फ्लैप है वो हम गोली रखेंगे। तो हमने गोल रख दी है वो। अब देखिए यहाँ से हल्का सा पीछे की तरफ को ये लगाएंगे, ये इस तरीके से ही हम मार्क लगा लेंगे। अब बताएंगे आपको ये हमारी कटिंग होगी अभी। अब देखते रहें किस तरीके से हम ये मार्क लगा रहे हैं। इधर हम डॉट्स डालेंगे छोटी सी हल्की सी डॉट्स सिर्फ। ये हमारी कटिंग देखिए इस तरीके से हम कर देंगे। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, ये मैं आपको जब हम दूसरी जब वो करते होंगे इसकी पेस्टिंग वेस्टिंग बनाएंगे तो बताएंगे। पहले तो आप इस तरीके से ये डॉट्स को काट लें, जो हमने नीचे की ये गोलाई दी है इसको हम जो मार्जिन है हमने इसमें प्लस कर दिया इसलिए हमने नीचे को निशान लगाया था। आप शायद कंफ्यूज हों इस बात को लेके, तो मैं बता दूंगा ये इस तरीके से आएगी हमारी डॉट्स। देखिए तो आप देखते रहें ये हमारी कोट की कंप्लीट हो गई कटिंग। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसकी कटिंग करें। पहले तो हम ये निशान लगा लेंगे, फ्रेंड्स ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, जो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है तो वो लास्ट पॉइंट ये है कि हम यहाँ से नीचे से जो हमारा मार्जिन है वो हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर। आप सब तरफ से 2-2 इंच इस तरीके से ये एक मार्क लगाएं, यहाँ से हम गोलाई देंगे। पहले तो आप इस मार्क को सीधा कर लें, हमने सीधा करा मार्क। अब देखिए जो हमने नीचे उस टाइम लगाया था आपको 2 सेंटीमीटर पीछे की तरफ, वही 2 सेंटीमीटर पीछे की तरफ हम यहाँ से भी लगाएंगे 2 सेंटीमीटर पीछे की तरफ। ये तो ये मार्क हमने लगाया पीछे की तरफ। अब यहाँ से हम अपनी गोलाई दे देंगे ऊपर वाली, तो यहाँ से हम गोलाई देंगे। तो ये गोलाई हमारी इस तरीके से आएगी, इस तरीके से ही हमारी गोलाई आएगी। और वही सब अगर आप इस इधर से गोलाई दे रहे थे तो वो गोलाई आपकी इस तरीके से आती,
तो ये आपके सामने दो हिस्से हैं, एक गोलाई आपकी इस तरीके से आती और एक गोलाई आपकी इस तरीके से आती। तो ये आपके हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आपको गोलाई चाहिए। तो अब जो है इसकी हम नीचे की कटिंग किस तरीके से करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने ये रखा तो आपका जो ये वाला मार्क है इधर से हम लाएंगे और इधर को हम उतार देंगे, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से कट करें, जहाँ तक आपकी फेसिंग रहनी है वहाँ तक आपको ये कटिंग करनी है, उस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लें। तो इधर से हम इसकी गोलाई इस तरीके से नीचे से देंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, तो ये हमारी इस तरीके से आ जाती है शेप, ये हमारी शेप आ गई है, ये हमारी शेप आ गई है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये हमारी कोट की फुल कटिंग हो गई है। आपको मैं दिखाता हूँ बैक भी रख के दिखाता हूँ किस तरीके से बैक हमारी आई थी। तो ये आपकी दोस्तों ये हमारी कोट की फुल कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये हमारी बैक है और ये हमारा प्रिंट है। आपको ये दिखता होगा ये हमारा आधा इंच नीचे की तरफ को है, तो ये हमारे यहाँ पे डॉट में दब जाएगा, तो ये बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा। और ये गोलाई हम चाहें तो पहले भी दे सकते हैं, पर बाद में सही रहता है देना, इसलिए हम बाद में देते हैं। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई कटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, थैंक यू, धन्यवाद।